उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सत्ता में वापसी आने के बाद से उनके गढ़ गोरखपुर में 50 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। पिछले कुछ समय से कट्टरपंथी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की साजिशों में लगे हुए हैं। ऐसे कई मामले हैं जो समय समय पर सामने आते रहे हैं। खासकर ईसाई कट्टरपंथी दक्षिणी भारत में ऐसी कई साजिशों को अंजाम देने में लगे रहते हैं, जिसमें जबरन धर्मांतरण करवाने के मामले अक्सर सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर से सामने आया है, जहां एक चर्च में करीब 90 भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराकर क्रिश्चियन बनाने की तैयारी की थी। चर्च में धर्मांतरण करा जाने का मामला सामने आते ही VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद फतेहपुर के हरिहरगंज चर्च से करीब 80 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को देर रात ही छोड़ दिया गया। VHP के सह मंत्री की तहरीर 35 नामजद और 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। धर्मांतरण के मामले में दिनांक 15/4/22 को थाना कोतवाली में पंजीकृत किए गए अभियोग में वैधानिक कार्रवाई करते हुए विनय कुमार सैमसन सहित 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन के सामने चर्च के पादरीदार ने स्वीकार किया कि हिंदुओं को छल कपट डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके दस्तावेजों में नाम परिवर्तित करते हैं। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया 34 दिनों से चल रही है, 40 दिन बाद ये पूरी हो जाती है। धर्मांतरण के लिए मिशन हॉस्पिटल के मरीजों और उनके टीमदारों को बहकाकर प्रयास करते हैं। हॉस्पिटल के कर्मचारियों की भी अहम भूमिका है। आपको बता दें कि इससे पहले गोरखपुर में 50 हिंदुओं का धर्मांतरण कराकर क्रिश्चियन बनाने का मामला सामने आया था, लोगों की मदद से पुलिस ने नाकाम कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।